वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। टीपी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी नगर टीम की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में समीर उर्फ लंगड़ा गोली लगने से घायल हो गया। वसरिया चोरी गैंग का सरगना है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। एक बदमाश मौका पाकर वहां से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। सर, मुठभेड़ हुई है, एक आबादी को गोली भी लगी है, ये कौन अपराधी है, इसकी क्या है क्रिमिनल हिस्ट्री है, जरा बताइए। ये देखिए, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में सुबह से ये पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी कड़ी में जो है टीपी नगर पुलिस के द्वारा ये वेदव्यासपुरी रोड पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बाइक को जो है रोकने का इशारा किया गया, तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जो है उसकी कॉम्बिंग की गई और उसको घेरा गया, तो उस पर फिर पुलिस पर दोबारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसका नाम जो है समीर बताया गया है और प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये वर्तमान में थाना दौराला के दो अभियोगों में वांछित भी चल रहा है। इसके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। बताया जा रहा है इसका एक अन्य साथी कोई फरार हो गया। हाँ, मौके से एक अन्य साथी फरार हुआ है, उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं, कॉम्बिंग कराई जा रही है आसपास के क्षेत्रों में। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।